एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना की दहशत में जी रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ मूर्ख और नासमझ लोग स्वास्थ्य योद्धाओं पर ही हमलावर हो रहे हैं। जी हां, मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना स्क्रीनिंग करने गए डॉक्टरों, ANM और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है। ये मामला टाटपट्टी बाखल इलाके का है, जहां स्वास्थ्य महकमे की टीम कोविड स्क्रीनिंग के लिए पहुंची थी। सुनिए स्क्रीनिंग करने गई डॉक्टर क्या कह रही है। जांच करने नहीं तो हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मैं और डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव के कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। दोनों कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम दो टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी स्पोर्ट्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए। अदरवाइज बच नहीं सकते थे। पत्थरबाजी करने लगे शुरू में अच्छे से, हम लोग ने एक की स्क्रीनिंग की बता रहे थे, आंसर दे रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। कितने लोग थे भीड़ में, महिला पुरुष दोनों थे? देख नहीं पाए, हम बहुत डर गए थे। पत्थर हमारे पैर पे जोर जोर से पड़ना शुरू हो गए तो हम कार में अचानक सर लेके हमको निकल गए। बता दें कि स्क्रीनिंग के लिए गए डॉक्टरों की टीम पर स्थानीय लोग भड़क गए और पुलिस के बैरिकेड को तोड़ा और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव कर दिया। बाद में पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। इसके बाद जिले के कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त लहजे में बयान जारी किया कि डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ से कोई भी बदतमीजी करेगा तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी टीम डॉक्टर पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और शहर की जनता के स्वास्थ्य के लिए घूम रहे हैं। इनके साथ यदि कोई बदतमीजी होगी तो तुरंत FIR होगी, गिरफ्तारी होगी और जेल भी भेजा जाएगा। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 30 मार्च को रानीपुरा इलाके में कोविड की जांच में जुटी टीम ने आरोप लगाया था कि मोहल्ले के लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की और उन पर घरों से थूका गया।